कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने मानो सबकी नींदें उड़ा दी हैं। आप दर्शकों की तरफ से हमारे पास कई सवाल भी आए हैं, तो आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर राहुल पंडित मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर क्रिटिकल केयर फोर्टिस हॉस्पिटल मुंबई और साथ ही साथ स्टेट टास्क फोर्स के मेंबर भी हैं। सर, नमस्ते। कल उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के साथ एक आप लोगों की बहुत महत्वपूर्ण बैठक भी हुई थी। जो चीज सबसे उभर के सामने आई और जिसकी चर्चा सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा हो रही है, वो ये थी कि उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन शब्द का एक बार फिर से इस्तेमाल किया और कहा कि अगर आप लॉकडाउन को अवॉइड करना चाहते हैं तो तमाम हेल्थ रिस्ट्रिक्शंस को मानना पड़ेगा। सिचुएशन क्या इतनी सीरियस है? देखिए, ये जो नया वेरिएंट उभर के आया है B.1.1.529, जिसको कि ओमिक्रॉन करके नाम दिया गया है WHO ने, ये जो वेरिएंट है इस वक्त एक जो पिटोरिया नाम का प्रांत है साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे सबसे प्रिडोमिनेंट वेरिएंट आया पाना गया है। इसमें क्या फ़र्क है, मैं एक मिनट में बताना चाहूँगा। अब तक जो है सबसे महत्वपूर्ण जो प्रिडोमिनेंट वेरिएंट था वो डेल्टा वेरिएंट था। डेल्टा अपने सामने किसी दूसरे वेरिएंट को टिकने ही नहीं देता था। इस डेल्टा वेरिएंट का प्रिडोमिनेंस उस पिटोरिया प्रांत में भी था और वहाँ पे इसको पूरी तरह से इस नए वेरिएंट ने रिप्लेस कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो है जो म्यूटेशन इतनी सारी है कि उसमें एक डर लग रहा है कि क्या इसकी इन्फेक्टिविटी डेल्टा से बहुत ज़्यादा है, क्या ये जल्दी फैलता है, क्या ये ज़्यादा घातक है, इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है। पर ये जरूर मालूम है कि लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है और डेल्टा को रिप्लेस कर चुका है। तो इसीलिए हमको जो है बहुत सतर्क रहना ज़रूरी है। अगर हम हमारा थोड़ा बहुत जो ध्यान है इसके ऊपर से हटा दें और अगर ये इधर फैलना शुरू हो जाए तो स्वाभाविक है कि फिर आगे के जो निर्बंध है वो रखने पड़ेंगे। तो उसीलिए जो है CM सर ने चेतावनी दी है कि हम जो है पूरी तरह से हेल्थ प्रिकॉशंस का पालन करें। डॉक्टर पंडित, सोशल मीडिया पे कई दर्शकों ने हमसे कई सवाल करे हैं, तो उन सवालों को हमने जॉट डाउन किया है, उनके जवाब आपसे चाहते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये पूछा गया है कि IMW वैक्सीनेटेड, यानी मुझे वैक्सीन की दोनों डोज लग गई है, क्या मैं फिर भी रिस्क में हूँ? देखिए, जो वैक्सीन हमारे पास इस वक्त है उसमें स्टेरलाइजिंग इम्यूनिटी तो है नहीं, हम जानते हैं। करीब 2% लोगों को वैक्सीन लेने के बावजूद अभी का जो डेल्टा वेरिएंट है उसके भी इन्फेक्शन हो रहे हैं। तो ये तो जरूर है कि वैक्सीन लेने के बाद भी जो हमें मास्किंग है वो नहीं छोड़ना है, मास्किंग हमें कंटिन्यू रखना है। इस वक्त जो है हमें जो जानकारी मिल रही है उसे थियोरेटिकली पॉसिबल है कि ये नए वेरिएंट में कुछ इम्यून एस्केप फिनोमिना देखा जा सकता है, पर इसके बारे में WHO और वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स जो है पूरा डाटा जब तक नहीं देते हैं तब तक हमें पैनिक नहीं करना चाहिए। हमारे हाथ में यही है कि वैक्सीनेशन अपना पूरा करें, जिन लोगों ने सेकेंड डोज मिस किया है वो सेकेंड डोज कम्प्लीट करें, जिन लोगों ने अब तक शुरुआत नहीं की हो उन्होंने फर्स्ट डोज लेना जरूरी है। एक सवाल ये भी आया है कि मुझे अभी सेकेंड डोज लगनी बाकी है, क्या मैं घर पे ही रहूं, घर पे मैं ज्यादा सुरक्षित हूं? देखिए, सेकेंड डोज जिनकी लगनी बाकी है उनको तो ये अपना सेकेंड डोज जाके जब भी उनका नंबर आए तभी तुरंत लेना है। जिन्होंने मिस किया है, मैं फिर से दोहराऊंगा, जिन्होंने मिस किया है वो तुरंत जाके अपना सेकेंड डोज ले ले, क्योंकि जब तक आप दोनों डोज नहीं लेते हो और 15 दिन उसके बाद नहीं हो जाते तब तक आप पूरी तरह से इम्यूनो कॉम्पिटेंट नहीं माने जाएंगे। तो आपको मेरी तरफ से यही एक विनती होगी कि आप अपने वैक्सीनेशन को पूरा करें। कई लोगों का ये भी कहना है, मैं डबली वैक्सीनेटेड हूँ, मैं N95 मास्क भी पहनता हूँ, तमाम जितने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं मैं उसका पालन भी करता हूँ, लेकिन मुंबई में मैं क्राउडेड लोकल ट्रेन्स में जाता हूँ, क्राउडेड बसेस में जाता हूँ, क्या मैं रिस्क में हूँ? देखिए, जो हेल्थ का जो चक्र है उसके साथ साथ जो इकोनॉमी का चक्र है वो भी चलना ज़रूरी है। हर एक व्यक्ति को जो है अपना कामकाज के लिए, पढ़ाई के लिए, जिस भी चीज़ के लिए अगर बाहर जाना अनिवार्य है और वो डबली वैक्सीनेटेड है, N95 मास्क या डबल मास्क पहन के जा रहा है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर रहा है, तो वो अपनी तरफ से पूरी तरह से पूरी एहतियात से जा रहा है। रिस्क बहुत कम है, जीरो रिस्क कोई भी प्लान में आज किसी के पास भी ऐसा कोई वैक्सीन नहीं बना है जिसमें जीरो रिस्क बन सके।